तो चलिए आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ एमएस वर्ड की आगे की चीज कवर करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था स्टेशंस के बारे में, जिसमें हमने स्मार्ट आर्ट चार्ट्स इस पे डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं हाइपरलिंक्स, बुकमार्क्स और एसईओ पे। हाइपरलिंक भी आई थिंक हमने कर लिया था, बुकमार्क्स और बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें एक वर्ड फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक हम इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, देखिए चैप्टर 1, इसमें जो DOC लगा हुआ आ रहा है, मतलब कि डॉक फाइल है। इसे क्लिक करते हैं, आप एमएस वर्ड की एक फाइल ओपन होगी। चलिए खोलते हैं। अलेवल रेटिंग पूछेगा, अलेवल रेटिंग कर दीजिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये है रीड मोड में, ठीक है, ये रीड मोड में है। इसको पेज लेआउट व्यू कर दीजिए यहाँ से, या व्यू में जाके कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू है, इसको रीड, ये आ गया आपका। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि आप इसको देख रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं इसमें इंसर्ट कमांड में। हमने हाइपरलिंक तो कर लिया था, हाइपरलिंक के बाद की चीजों पे बात करते हैं। लेकिन देखिए इसे बहुत सारे फीचर्स जो है, ये फीचर्स एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली फाइल है, रीड ओनली फाइल है। तो क्योंकि इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है, इसलिए वो रीड ओनली करके भेजा है और प्रोटेक्टेड भी है। ओपन हो गया। और यहां से हमने इसको व्यू में जाके हम इसकी प्रिंट लेआउट में आते हैं, सिंगल पेज आ गया, सिंगल पेज। इंसर्ट में जाते हैं हम, और
इंसर्ट में अभी क्या है कि हमने हाइपरलिंक बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है देखिए, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आप देखना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने मान लीजिए कि हमने नीचे गए और इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ बुकमार्क पे क्लिक किया और मैंने लिख दिया CH2 मतलब चैप्टर 2। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम नीचे गए और ऐसी चैप्टर्स हैं, ओके ये जो है 19 पेजों का है, हो सकता है कि 900 पेजों का हो सकता है 2000 पेजों का हो, तो ऐसे बहुत बड़ी बुक्स हैं, तो उसमें मान लीजिए कि अलग अलग है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ग्रीक नाम का है, तो इसमें मैं एक ग्रीक नाम का भी एक कर देते हैं यहाँ पे कि ग्रीक या। तो ऐसे आप इसमें क्या है ना, अपने बुक मार्क को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने का फायदा क्या होता है कि मान लीजिए मुझे चैप्टर 2 पे जाना है, तो मुझे एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ भी क्लिक करूंगा और मैं चैप्टर 2 को सिलेक्ट करके जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे, मेरा चैप्टर 2 भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चैप्टर 2 में क्या है, ग्रीक पे जाना है, हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से गो टू करेंगे, ग्रीक पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक शॉर्ट नेविगेशन सिस्टम लाने के लिए, कि ताकि आप जा सके एक सीट से दूसरे सीट, एक पेज से दूसरे पेज पे, या फिर पे जो पेज इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको स्टडी करनी है या आपको उसको बाद में जानना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है, डाउट इसमें? नहीं। बीमारी हाथ आ जाएगी। अब दूसरा बात आती है इसमें कमेंट्स का। कमेंट जैसे कि आपने पढ़ लिया, तो मान लीजिए इस पे रिलेटेड कुछ कमेंट करना है आपको, जैसे आपके पॉलिटिकल थॉट जो है इस पे आपको मान लीजिए कि पूछना या कुछ करना या कुछ ऐसी बातें करनी है, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कमेंट कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो जो भी कमेंट कि दिस ऑटो इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट डाल सकते हो। तो इस तरह से इसको दिखेगा इस पे कमेंट। तो कमेंट पे भी अगर इस पे क्लिक करते हैं, कमेंट पे, तो इस पे वापस क्लिक करेंगे तो कमेंट आ जाएगा। तो इस तरह ये कमेंट डालोगे तो आपका यहाँ कमेंट दिखेगा। तो कोई चीज से पूछना चाहते हो कि हाँ क्या है, या फिर कुछ ऐसा नोट देना चाहते हो, तो इसमें आप कमेंट्स का यूज दे सकते हो कि कमेंट यहाँ शो करेगा, एक कमेंट्स के लिए बनाया गया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कमेंट नहीं देना है, हटा देते हैं। अब बात करते हैं हिडन एंड फुटर की। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो अगर मैं इसकी प्रिंट आउट लूँ, मान लीजिए कि तो नॉर्मल है पेज है, अगर मान लीजिए इसकी प्रिंट आउट अगर मैं इसको लेता हूँ, तो इसमें यहाँ पहला एक चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस आ गया, नेक्स्ट करोगे तो दूसरे चैप्टर पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये क्या है। लेकिन हालांकि जो बुक वगैरह आप देखते तो उस पर उसका चैप्टर नेम, उस पेज है, आप देखिए पेज नंबर आ रहे हैं, ऐसे पेज नंबर होते हैं। ऐसे हिडर एंड फुटर को डालना चाहते हो, आप चाहते हैं कि हिडर एंड फुटर इसमें डल जाए। ठीक है,
तो इसको आप हीडर फुटर में जाइए, हीडर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ हीडर पे दो चीज़ें हैं कि ब्लैंक करना है, ब्लैंक 3 कॉलम चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए है, तो मुझे चाहिए कि मैं 3 करना चाहता हूँ, 3 स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और मैं यहाँ पे चैप्टर 1 नहीं तो और यहाँ पे मैं 2018 डाल देता हूँ, तो 3 चीज़ आप डाल दीजिए। आप 3 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, तो 2 चीज़ डाल सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए हर पेज पे ही आ रहा है, आ रहा है हर पेज पे आ रहा है। अब मैं प्रिंट आउट भी लूंगा तो मुझे आएगा यहाँ पे, या PDF में करूँ तो यहाँ पे ऊपर में हर पेज पे आएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है और 2018 है, ऐसे लिखा हुआ। तो हीडर क्या करता है, हीडर आप उसको टॉप में करता है, जो ऊपर है उसको टॉप में आप ले सकते हो, और फुटर जो है वो बॉटम में होता है, जैसे कि ये देखिए हमने दे दिया, तो बॉटम में यहाँ देखिए कि बॉटम में क्या होना चाहिए। तो एक तो है पेजेस, कि पेजेस होने चाहिए, तो ये ऊपर में आपको ये सारे टूल्स है जिसको आप लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर, यहाँ पे मैंने टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मर्जिंग, करेंट पोजीशंस, जो भी चाहिए फॉर्मेट पेज नंबर, तो मैंने करेंट पोजीशंस दे दिया ये। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया पेजेज। इस तरह से तो यहाँ पे और भी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेट करना है आपको कि किस डेट को प्रिंट हो रहा है तो डेट डाल दीजिए, डेट कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट हो सकता है, और उसके यहाँ पे लैंग्वेज भी है, 19 फ़रवरी 2018 कर दी, तो ये डेट आपको जिस दिन प्रिंट होगा उस दिन का डेट आएगा। ऐसे टाइम चाहिए तो टाइम भी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन की फाइल कौन सी है, लिंक कहाँ पे सेव है, या पिक्चर के लोगो वगैरह है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हिडर एंड फुटर में क्या है कि आप हिडर कि आप चाहते हो कि हर पेज पे मेरा टॉप में कुछ टाइप होना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ डाल सकते हो, और फुटर में जो चीज़ चाहिए आपको मतलब कि नीचे चाहिए वो चीज़ आप इसको कर सकते हो हिडर एंड फुटर में। हिडर फुटर के बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि मुझे कोई चीज यहाँ लिखना है, तो क्या होता है कि आप लिखोगे तो इसी के हिसाब से लिखोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से लिखूँ और अपने हिसाब से सही रखूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको रखना चाहता हूँ यहाँ पे बॉक्स के अंदर, तो ये आपको टेक्स क्या करता है, आपको टेक्स बॉक्स देता है, टेक्स बॉक्स मिल गया, अब इसको उठा के आप अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो, और इसमें जो भी टाइप कर सकते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। तो जो मर्जी चाह लिख सकते हो, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ मर्जी इसको ले आ सकते हो, ला सकते हो, रख सकते हो, इसको फॉर्मेट कर सकते हो, जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए, सैप्स की जो फॉर्मेटिंग की थी वो सैप्स की जो फॉर्मेटिंग आपने वहाँ की थी वो सैप्स की फॉर्मेटिंग आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, लेकिन इसमें तो स्टाइलिश नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हो कि स्टाइलिश लिखना, जैसे मैं ऊपर में जो पॉलिटिकल चैप्टर 1 है यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा स्टाइलिश वे में, जो कि टाइटल वगैरह होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये वर्ड आर्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया
अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसके कलर है कि कैसा कलर चाहिए आपको, उस तरह से कलर मिलेगा। कैसा कलर के आगे बॉर्डर चाहिए, वैसा बॉर्डर मिलेगा। सैप्स की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे डिज़ाइंस है। अलग अलग डिजाइन जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशंस है, रोटेशंस है अपने हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हो। थ्री डी इफेक्ट्स हैं, नहीं करना है तो इफेक्ट में क्लिक करो, थ्री डी इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये चीजें हैं, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए सर, वर्ड आर्ट की, टेक्स्ट बॉक्स की एंड हिडन फुटर की आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दिक्कत होगी तो मुझे कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, और आज की रिकॉर्डिंग हो गई है।